गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेस. किस चैप्टर की? लास्ट टाइम हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? चैप्टर 11, अ ब्यूटीफुल फेरी. सो योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. फेरीज नेम वॉज, फेरी का नाम था फैनी, टैनी, जेनी. सो हर नेम वॉज फैनी. फैनी केम टू द, फैनी आई थी कहाँ? हिल अर्थ या मून पर? तो अर्थ पे आई थी. फैनी केम टू द अर्थ. हंटर थॉट दैट द फेरी वॉज, हंटर ने सोचा फेरी थी क्या थी? गर्ल, गोट या बर्ड? उसने क्या समझा था? बर्ड समझा था ना फेरी को. सो करेक्ट ऑप्शन होगा बर्ड. हंटर्स डॉटर गेव फूड टू द, हंटर की डॉटर ने भोजन दिया था किसको? फेरी को, बर्ड को या स्पैरो को? तो वो फेरी के लिए लेकर आई थी. करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फेरी. नंदा पुट सम मेडिसिन ऑन फेरीज, नंदा ने कुछ मेडिसिन लगाई थी फेरी के नोज पे, विंग्स पे या लेग्स पे? तो विंग्स पे लगाई थी क्योंकि उसके विंग टूट गए थे ना. बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. फिलअप करना है आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं. वंस देयर वॉज अ डैश कॉल्ड फैनी, किसका नाम था? फैनी, फेरी का नाम था. तो फर्स्ट में फिल होगा आपका फेरी. फेरी वॉज फ्लाइंग टू द, फेरी उड़ रही थी किधर के लिए? अर्थ के लिए आ रही थी ना उड़ते हुए. तो क्या फील होगा आपका इसमें? अर्थ. थर्ड नंबर, योर फादर थॉट दैट आई वॉज, तुम्हारे फादर ने सोचा कि मैं थी. ये बात फेरी बोल रही थी ना, क्या बर्ड समझा था ना. तो यहाँ पे फील होगा आपका बर्ड. फोर्थ नंबर, वेन एवर यू नीड हेल्प रिंग दिस, जब कभी तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तुम इसे बजाना, किस बेल को? आपका फील होगा बेल. आफ्टर दैट दे बोथ बिकेम बेस्ट, इसके बाद वे दोनों क्या बन गए थे? बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे ना. तो यहाँ पे फिल होगा आपका फ्रेंड्स. मैच द फॉलोइंग, मैजिक, मैजिक जादुई क्या? वैंड फेरी गर्ल विंग्स, वैंड होगा ना वो जो ली थी छड़ी. मैजिक वैंड, मैजिक को मैच करेंगे वैंड से. लिटिल, लिटिल कौन था? तो लिटिल को मैच करेंगे आप फेरी से. स्मॉल, स्मॉल मैच करेंगे गर्ल से क्योंकि आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें आपका स्मॉल वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? गर्ल के लिए. सिल्वरी उसके फ्रॉक के लिए यूज हुआ है ना, सिल्वर कलर का उसने फ्रॉक पहन रखा था. तो इसमें आपका सिल्वरी को मैच करोगे फ्रॉक से. डेलिकेट, डेलिकेट को किससे मैच करोगे? विंग से. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु वाज फैनी, फैनी कौन थी? तो फैनी फेरी थी ना, फैनी वाज अ फेरी. व्हाई डिड शी कम टू द अर्थ, वो अर्थ क्यों आई थी? क्योंकि वो अर्थ आना चाहती थी. बिकॉज शी केम टू विजिट द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ घूमना चाहती थी इसलिए. वाई, व्हाट डिड द फेरी से टू हरसेल्फ, फेरी ने खुद से क्या कहा था? फेरी ने खुद से ही कहा था ना कि कितनी यहाँ प्रदूषण है मुझे नहीं पता था. तो द फेरी सेड टू हरसेल्फ दैट ही डिड नॉट नो द अर्थ हैड सो मच ऑफ पॉल्यूशन. फोर्थ नंबर, वॉट वॉज द हंटर ट्राइंग टू, हंटर क्या करने की कोशिश कर रहा था? तो द हंटर वॉज ट्राइंग टू कैच द बर्ड्स. वेयर डिड ही पुट द फेरी, उसने फेरी को कहाँ रखा था? केज में डाल दिया था ना. तो ही पुट द फेरी इन टू अ केज. वॉट वॉज द नेम ऑफ हंटर्स डॉटर, हंटर की डॉटर का क्या नाम था? नंदा था ना. तो द नेम ऑफ हंटर्स डॉटर वॉज नंदा. वॉट डिड द फेरी गिव टू द हंटर्स डॉटर, फेरी ने हंटर की डॉटर को क्या दिया था? बेल दिया था ना. द फेरी गेव अ बेल टू द हंटर्स डॉटर. व्हाई वाज नंदा स्केयर्ड, नंदा क्यों डर गई थी? क्योंकि अचानक उसने क्या देख लिया था? एक लायन देख लिया था. तो नंदा वाज स्केयर्ड बिकॉज सडनली शी सॉ अ लायन, या ऑल ऑफ अ सडन भी आप देख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है. ई नंबर, हु सेड टू हूम, किसने किससे कहा? I did not know the earth has so much of pollution. ये बात किसने कही थी? फेरी ने कही थी ना, और किससे कही थी? खुद से कही थी. तो फेरी to herself. How did you come here? तुम यहाँ कैसे आई? ये बात किसने कही थी? तो ये बात हंटर की डॉटर नंदा ने कही थी. नंदा, और किससे कहा था उसने? फेरी से. फेरी भी लिख सकते हो, फैनी भी लिख सकते हो. I wanted to visit the earth. मैं पृथ्वी घूमना चाहती थी. तो ये बात किसने कही थी? फेरी ने कही थी. तो फेरी टू नंदा. बट हाउ डिड यू कम टू माई हाउस, लेकिन तुम मेरे घर कैसे आई? ये बात किसने कही थी? नंदा ने कही थी. किससे कही थी? फेरी से कही थी. वाई डिड यू नॉट यूज योर मैजिक वैंड, तुम अपना मैजिक वैंड क्यों नहीं यूज करती हो? ये बात किसने कही थी? नंदा ने कही थी. किससे कही थी? फेरी से कही थी.
ओ योर विंग्स आर डैमेज, लेट मी पुट सम मेडिसिन ऑन योर विंग्स। तब ये बात किसने कही थी कि तुम्हारे विंग्स डैमेज हो गए हैं? नंदा ने कही थी, है ना? तो नंदा ने कहा था और फेरी से कहा था, गो अवे लॉयन। ये बात किसने कही थी? फैनी आ गई थी ना, जो फेरी थी, फैनी। तो फैनी ने कही थी, और किसे कही थी? लॉयन से कही थी, है ना? नेक्स्ट पेज पे आते हैं। रेड द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल आप पढ़ चुके हो, फेरी का फेरीज, वैंड का वैंड्स। सो दिस इज योर होमवर्क। बी नंबर अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं आपको। कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, ठीक? सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। सी नंबर सिलीमी सिमिलीज। वी ऑफ एन कंपेयर टू थिंग, यूज बिट वर्ड एज और लाइक, देयर आर कॉल्ड सिमिलीज। फॉर एग्जाम्पल, एज ब्लैक एज कोल। सिमिलीज क्या होती है? वो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि तरह। हम बोलते हैं ना, अरे ये तो कोयले की तरह काला है। तो तरह वो वाले होते हैं हमारे सिमिलीज, जिनको हम किसी से कंपैरिजन करते हैं। तो वही आपको करना है इसमें। जिराफ, कोल, ब्लड, आइज, हनी, फॉक्स, ग्रास, ये वर्ड्स हैं। अब एज स्वीट एज, मतलब इतना किसकी तरह मीठा। अब मीठा क्या होता है? हनी हो सकता है ना, तो एज स्वीट एज हनी। एज कोल्ड एज, किसकी तरह कोल्ड? आइस। एज टॉल एज जिराफ। एज ग्रीन एज, किसकी तरह रहा? ग्रास। एज ब्लैक एज कोल। एज रेड एज ब्लड। एंड एज क्लेवर एज फॉक्स, यानी की तरह। नेक्स्ट है ग्लोरियस ग्रामर। इसमें आपको क्या करना है? नेक्स्ट पेज पे आपका पुट फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, फुल स्टॉप कहाँ लगता है? जहां आपका स्टेटमेंट, कोई सिंपल सेंटेंस खत्म होता है, लास्ट में वहां फुल स्टॉप लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है? जहां कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सेंटेंसेस में। और एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगता है? जहां पे आप एंगर, हैप्पीनेस शो करते हो, मतलब आपकी फीलिंग्स जहां एक्सप्रेस होती है, वहां आप एक्सक्लेमेशन मार्क फिल करते हो। तो दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। आपको अपने सेंटेंसेस में, अपने वाक्य में, मतलब अपने शब्दों में, अपने शब्दों में इनका सेंटेंस बनाना है, इन वर्ड्स का। फेरी, हंटर, केज, विंग्स, मेडिसिन, डॉटर। सो दिस इज योर होमवर्क।